जय गुरु जी संगत जी, आज वीरवार का दिन है, डेट 17 अक्टूबर है। संगत जी, गुरु जी आज वीरवार वाले दिन मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये वीरवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी इतना स्पेशल सत्संग है वीरवार का। अगर आपने एक बारी दिल लगाकर वीरवार के इस चमत्कारी सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर, और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये वीरवार का चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे, और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए, तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। संगत जी, गुरु जी के वीरवार के चमत्कारी सत्संग को शेयर करने से पहले आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़कर मत चले जाना संगत जी। और सामने लाइक और शेयर करने का बटन आ रहा है, उसको भी आप जरूर दबा देना। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत रितु ढींगड़ा आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं रितु ढींगड़ा राजेंद्र नगर दिल्ली में रहती हूँ। संगत जी, सबसे पहले तो आप सब जानते ही हो कि दो दिन बाद करवा चौथ है। करवा चौथ की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के सत्संग के लास्ट में संगत जी, ये करवा चौथ का ना एक लाइव मैसेज है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी संगत जी, तो आप सत्संग ना पूरा सुनना। संगत जी, अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना सत्संग। मेरी जो जर्नी है ना संगत जी, गुरु जी के साथ में शुरू हुई थी 2022 के अंदर। 2022 एक ऐसा साल है संगत जी हमारी जिंदगी का, कि हम लोग कभी भी उस साल को नहीं भूल सकते, क्योंकि संगत जी मैंने देखो अपनी लाइफ में ना, मैंने मतलब गरीबी भी देखी है, पैसा भी खूब देखा है, अब फिर से गरीबी देख रही हूँ संगत जी। पैसा बहुत देखा है लाइफ में, पैसा था भी पर हम उसको संभाल नहीं पाए, उसको यूटिलाइज नहीं कर पाए संगत जी, उसको अच्छे काम में नहीं लगा पाए, तो पैसा हमारे हाथों से चला भी गया।
लोगों से बड़ी बातें भी सुनी है, लोगों से बड़ी बेइज्जतियां भी करवाई हैं संगत जी, क्योंकि देखो गरीब आदमी की ना हमेशा बेइज्जती होती आई है, होती रहेगी संगत जी आगे भी गरीबों की हमेशा। कोई पूछता नहीं, कोई समझता नहीं ना कुछ, अमीर लोग समझते हैं पैसे को सब कुछ, गरीबों की तो वैल्यू ही नहीं है संगत जी। हमारे जैसे बंदों की कहाँ वैल्यू, कोई सुनवाई है हमारी, सुनवाई है संगत जी, आप खुद बताओ ना एक बार। तो मैंने अपनी लाइफ में सब कुछ देखा है, अमीरी भी देखी है, गरीबी भी देखी है संगत जी। हुआ क्या था कि मेरे अंकल ने ना काफी साल पहले, मतलब 2011-12 में ना मेरे अंकल ने एक शॉप ली थी। शॉप कहाँ ली थी मैं आपको बताती हूँ संगत जी। पीतमपुरा है, एक मार्केट बनी पीतमपुरा के अंदर, वहां मेरे अंकल ने शॉप ली हुई थी, मतलब 2011-12 में अच्छे खासे अमाउंट की ली थी। तब भी संगत जी 25 से 30 लाख रुपए की मेरे अंकल ने वो शॉप ले ली थी, लेके रख दी थी। क्योंकि संगत जी पैसा था तो फालतू थोड़े पैसे इकट्ठे हो गए थे, तो हमने कहा चलो अच्छे काम में लगा देते हैं, शॉप ले लेते हैं, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगी और वहां से रिटर्न भी आता रहेगा, किराया वगैरह वहां से आता रहेगा। किराया आया भी संगत जी अच्छा, मतलब किराया हमें आया। अब ना हमें अपनी बेटी की शादी करनी थी, मेरी बेटी की शादी मार्च 2022 में थी, मेरी बेटी की शादी हमने शादी करनी थी। तो संगत जी आप सब जानते हो तब तक तो महामारी, ये वो बीमारियां, डर, संगत जी बहुत कुछ था 2022 में ना। पैसे भी लोगों के पास नहीं थे, काम नहीं थे तो पैसा कहाँ से आएगा, जब काम ही नहीं है तो पैसा कहाँ से आ जाएगा संगत जी। तो बहुत दुखी हुए। अब हमें दिख रही थी अपनी दुकान कि चलो हमारी दुकान है तो इसको हम सेल कर देते हैं, और हमारे जो बेटी है उसकी, हमारी संगत जी एक एक बेटी है, हमारा कोई और बच्चा नहीं है, वो भी मतलब उसकी भी हम लोग शादी कर रहे थे। तो हमारे में दिमाग में ये आया कि चलो अपना घर तो हम क्या ही बेचेंगे, मतलब पूरा घर बेचना कोई समझ वाली बात नहीं है, हाँ दुकान को बेच देते, वैसी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, नहीं आएगा किराया कोई बात नहीं। वैसी 2-4 साल से खाली पड़ी हुई थी क्योंकि बीच में महामारी भी आ गई, तब तक संगत जी जो मतलब जो टेनेंट थे, जो किराएदार थे, वो जा चुके थे वहां से। तो हमने यही सोचा कि हम इस दुकान को बेच देंगे और हमारी बेटी की शादी आराम से हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है, किसी से पैसे भी नहीं मांगने पड़ेंगे, किसी के आगे हाथ भी नहीं फैलाने पड़ेंगे। मेरे अंकल ने भी बोला, कहते ठीक है बेच देते हैं। एक दिन मैं और मेरे अंकल स्पेशली हम लोग वहां गए पीतमपुरा में ना, अब हम लोग रहते हैं राजेंद्र नगर में, वहां से पीतमपुरा काफी दूर पड़ जाता है। तो हम लोग गए कि चलो भाई उसकी वैल्यू वगैरह लगवाते हैं, देखते हैं क्या हिसाब किताब है, उस हिसाब से बोल देंगे संगत जी। अभी हमारी बेटी को ना 2 महीने थे शादी में, तो हमने कहा चलो दुकान तो जल्दी बिक जाती है, लोगों को चाहिए होती है, काम तो करना ही है ना, तो जल्दी हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं ठीक है, कुछ एडवांस तो मिल ही जाएगा, बाकी चाहे कागजी कार्रवाई चाहे बाद में हो, कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे, 10-15-20 लाख तो मिल ही जाएगा बयाना, है ना, बाकी बाद में देखते रहेंगे, कोई बात नहीं। तो हम लोग गए पीतमपुरा, मैं और मेरे अंकल, हमने अपनी बेटी को इस बारे में नहीं बताया था क्योंकि संगत जी देखो ना बच्चे फिर बोलते हैं कि क्या जरूरत है बेचने की, ठीक है पड़ी है तो ठीक है, काम ही आएगी ना, क्यों ऐसे बेचना, शादी पे कम पैसे लगा दो, क्यों ज्यादा पैसे लगाने। तो बच्चे संगत जी फिर आजकल बातें करते हैं, है ना, रोकते हैं, मतलब अब माँ बाप ने संगत जी जो करना वो तो करना ही है ना, बच्चों के कहने में अगर माँ बाप चलेंगे तो क्या होगा बताओ, बच्चे तो रोकेंगे हर चीज से, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। संगत जी एक ही एक बेटी है, शादी धूमधाम से करनी थी, है ना, कोई उसमें कमी ना रह जाए, कोई उसमें गलती ना हो जाए, क्योंकि संगत जी लोगों को ना एक बहाना चाहिए होता है बस बातें सुनाने के लिए बाद में, अरे वहां ये नहीं था, वहां ऐसे नहीं हुआ था, वैसे नहीं हुआ था। संगत जी हमारे बस की तो है नहीं लोगों की बातें सुनना बाद में, ठीक है ना। तो ऐसा था तो हम लोग गए वहां पीतमपुरा, संगत जी वहां एक बड़े अच्छे मतलब हमें डीलर लगे, जिस डीलर के थ्रू हमने ली थी ना, वो उसी डीलर के पास गए थे हम लोग, वो तो जब मतलब नहीं थे, उनका बेटा था, वही शॉप थी डीलर की। तो उन डीलर को बताया मेरे अंकल ने कि ऐसे ऐसे करके आपके थ्रू ही मैंने ये शॉप ली थी, अब मुझे ना इसको बेचना है।
तो क्या आजकल यहाँ पे क्या वैल्यूएशन लगी हुई है, क्या वैल्यू है? वो लड़का कहता है उनका, वो कहता है देखो सर यहाँ पे ना आजकल वैल्यू तो है, कोई उसमें दो राय नहीं है, अच्छी मतलब वैल्यू है, वन प्लस वैल्यू चल रही है आपकी शॉप की इस समय, पर अभी ना कोई ग्राहक नहीं है, कस्टमर नहीं है, वैल्यूएशन इसकी अच्छी है, आपकी सवा तक मतलब आराम से बिक सकती है, 1,25,00,000 तक की। हम लोग बड़े खुश, हमने कहा वाजी वाह, ये तो 1,00,00,000 की हो गई है दुकान, 25 से 30 लाख की दी थी 2011-12 में, है ना, तो अब 1,00,00,000 से भी ज्यादा मतलब 1,25,00,000, तो कहते हैं आप डेढ़ तक मांगना, आपको 25, 30, 35 तक, 40 तक कोई भी आपको दे देगा, पर अभी कस्टमर नहीं है, क्या करें? संगत जी हम लोग बड़े फिर एकदम से खुशी भी हुई और एकदम से दुख भी हुआ, यार क्या फिर किसको बेचेंगे? तो मेरे अंकल ने बोला हमें ना दुकान बेचनी है, अर्जेंट बेचनी है, पैसे चाहिए थे हमें। तो कहते अच्छा जी फिर देखते हैं, कस्टमर होगा तो बताएंगे आपको, ये होगा लेने वाली पार्टी कोई होगी तो बता देंगे आपको, आप फोन नंबर अपना दे जाओ हमें। मेरे अंकल ने फोन नंबर दे दिया। संजय जी उस दुकान पे ना, वो जो डीलर की दुकान थी, प्रॉपर डीलर की, गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ था, तब मैंने ध्यान दिया था, पीले रंग का जो गुरु जी का चूरा नहीं पहना था गुरु जी ने, पीले रंग का स्वरूप जो बड़ा फेमस है, मतलब आपको हर जगह दिख जाएगा गुरु जी का बोला स्वरूप, बाकी स्वरूप भी हैं अच्छे ही हैं, पर वो स्वरूप ना हर जगह पे दिख जाता है, जहां जाओ ना वहीं पहले सबसे पहले वही स्वरूप आपको दिखेगा गुरु जी महाराज का। तो मैंने देखा, मैंने पूछा नहीं उनसे, मैंने खाली देख के ना, मैं आ गए थे हम लोग फिर घर पे, तो घर में आके डिसाइड करा मैंने, कहा देखो बिकने को कल बिक जाए ना बिके, साल ना बिके, क्या पता, प्रॉपर्टी का तो ऐसे ही रहता है संगत जी, है ना, आज मन बनाओ बेचने के लिए, हो सकता है साल भर ना बिके, हो सकता है कल बिक जाए, कोई पता नहीं चलता। संगत जी हम लोग फिर सोचने लग गए क्या करें, कैसे करेंगे, पैसों का जुगाड़ कैसे होगा, 2 महीने रह गए हैं शादी में, अभी गोल्ड की ज्वेलरी भी लेनी है, लड़के की भी मतलब रिंग्स वगैरह चैन वगैरह लेनी है, बेटी की भी लेनी है, सब कुछ करना है, पैसों के बिना कुछ हो नहीं सकता। संगत जी मेरे अंकल ना 2-4 दिन के बाद ना मेरे अंकल ने कहा कि ना हम ना ऐसा करते हैं, दुकान बिक रही थी कोई बात नहीं, हम ना इस पे लोन ले लेते हैं, जैसे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी होता है ना कि प्रॉपर्टी के कागज रख के लोन ले लो, वैसे वाला लोन ले लेते हैं इसको गिरवी रख के। मैंने कहा लोन के चक्रों में ना पड़ो, ऐसी 2 लाख देना पड़ता है, 2 वापस डबल देना पड़ता है संगत जी, लोन तो ऐसे ही होता है, लंबे होते हैं लोन। मैंने कहा मतलब दिए जाएंगे नहीं, क्या करेंगे हम? कहते नहीं तो फिर शादी कैसे होगी, बेटी की शादी कैंसिल कर दूं क्या, मेरे पास पैसे नहीं पड़े, मेरे सारे पैसे लग गए हैं, कुछ भी नहीं पड़ा मेरे पास। तो मैंने अपने अंकल को बोला देख लो फिर, मैं तो कहूंगी नहीं कि आप लोन लो। लोन लेने गए मेरे अंकल, नाम नहीं ले रही बैंक का, गए लोन लेने, बड़े बड़े जो प्राइवेट बैंक्स हैं वहां पे भी गए थे और गवर्नमेंट बैंक के पास भी गए थे एक बार, वहां तो मैं भी साथ गई थी। संगत जी लोन हमें ना बहुत कम अमाउंट का मिल रहा था, मतलब बहुत कम, मुश्किल से 10 से 15 लाख तक का, उससे कुछ होता ना, 10-15 लाख से क्या होता, शादी होती है, इतने की तो ज्वेलरी भी नहीं आती संगत जी, है ना, ज्वेलरी भी 25-30 लाख की आ जाती है आजकल, एक ही एक बेटी है, शादी अच्छे से करनी होती है, बार बार थोड़ी करी जाती हैं शादियाँ, बार बार थोड़ी ज्वेलरियाँ बनाई जाती हैं, एक ही बार बनती है, आगे बच्चों के काम आ जाती है, कभी मतलब अच्छे अच्छे दिनों में, कभी खराब दिनों में काम आ जाता है ना, देखो बच्चों के काम आता है सारी चीज़ें। तो एक बहन कहता 8 लाख दे देंगे, एक कहता 10 लाख दे देंगे, हम लोग कहते इतने का क्या करेंगे लोन लेके, इतने का लोन क्या, कोई बहुत बड़ा अमाउंट थोड़ी है। संगत जी हम लोग फिर मतलब टेंशन में आ गए, क्या करें क्या ना करें, समझ ही ना आए कुछ। मैंने अपने अंकल से बोला आप ना घर चलो, घर जाके बात करते हैं, बैंक में खड़े होकर क्या बात करें, आप घर चलो। मैंने घर जाके ना अपने अंकल को समझाया, मैंने कहा लोन के चक्कर में ना पड़ो, वैसे कुछ नहीं मिल रहा, वैसे ही कुछ नहीं मिल रहा, क्या करेंगे लोन लेकर, आप ना उसी डीलर से बात करो कि कोई है पार्टी लेने वाली, तो वो ज्यादा ठीक है, बल्कि कि किसी की हमारी देनदारी तो नहीं होगी ना किसी की, कि भाई
देने हैं, पैसे देने हैं, ईएमआई देनी है या कुछ देना है, तो कैसे देंगे हम लोग? दुकान भी नहीं बिकेगी, लोन भी ले लिया तो हर महीने किस्त कहाँ से भरोगे? आपका तो काम है नहीं। इससे बढ़िया आप ना उसी डीलर को फ़ोन कर लो एक बारी, संगत जी अब मेरे अंकल ने फ़ोन करा तो वो कहते हैं अभी तो कोई आया नहीं सर, अभी कोई लेने वाला आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, ये चीज़ें टाइम लगने वाली होती हैं, प्लीज़ थोड़ा सा मुझे टाइम दो आप, मैं बता दूंगा आपको। संगत जी हम लोग बड़े परेशान, बड़े दुखी, क्या करें, पैसे चाहिए, पैसों का काम तो पैसों से है संगत जी, पैसों का काम ऐसे थोड़ी होता है फ्री फंड में, पैसे का काम पैसे से है। अब कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी वहाँ जा रहे हैं, कभी इसके पास, कभी उसके पास, अब क्या होता है, मेरी बेटी को ना पता चल गया कि हम लोग ऐसे ऐसे करके शॉप बेचने का प्लान बना रहे हैं। मेरी बेटी बोल पड़ी हमें गुस्से में कि मम्मी पापा आप ये क्या कर रहे हो, आप मतलब दुकानें बेच के आप शादी करोगे क्या? रहने दो, इससे बढ़िया तो आप मत बेचो कुछ भी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं अपने पापा की दुकानें बिकवा के अपनी शादी करवाऊँ, आप रहने दो, आपके पास जो है जितना है मैं दूंगी आपको पैसे, कोई कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है, मेरे पास पड़े हैं 15-20 लाख अकाउंट में, आप वो मेरे से लो, आप अपना करो, हम हमारे पास जितना हम उतना ही करेंगे, हम क्यों ज़्यादा अपना वो करें, है ना, कोई इनाम थोड़ी मिल जाना है। संगत जी बच्चों की बातें देखो माननी पड़ती हैं, ना मन तो लड़ाई, मान लो तो बंदा फंस जाता है। अब ना कुछ भी हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, क्या करें, दुकान बिक नहीं रही, पैसे चाहिए थे, अर्जेंट चाहिए थे पैसे, है ना, 2 महीने के अब तो 1.5 महीना रह गया था शादी में, अभी तक हमने ज्वेलरी भी नहीं ली, बैंक्वेट हॉल भी नहीं बुक करा, सब काम ऐसे ही हो रहे थे, लटक गए थे सारे काम। संगत जी मेरी बेटी को ना पता नहीं कहाँ से उसको गुरुजी का स्वरूप मिल गया, उसके वॉलपेपर पे ना फोन के उसने वही पीले चोले में जो गुरुजी मैं देख के आई थी डीलर की दुकान पे, जो गुरुजी का स्वरूप वही उसने वॉलपेपर पे लगाया हुआ था, फोन पड़ा हुआ था उसका, मैंने टाइम देखना था, टाइम देखा तो सामने गुरुजी का पीले रंग वाला जो पीले चोले वाला जो स्वरूप है वो दिखा, मैंने कहा ये क्या, मेरी बेटी का नाम संगत जी शिवानी है, तो मैंने कहा शिवानी ये क्या तूने लगाया हुआ है, ये कौन है? ये कहती मम्मी ये ना मेरी फ्रेंड के गुरुजी हैं, अब मैं भी इनको मानने लग गई क्योंकि ना ये मेरे सपने में आके मेरे से बातें करते हैं, मेरे को उनकी बड़ी ब्लेसिंग मिली है, मेरे एक दो काम थे, वो संगत जी जॉब करती है मेरी बेटी ना, जो शिवानी मेरी बेटी है जॉब करती है अच्छी कंपनी में गुड़गांव में, तो कहती है मम्मी मेरे एक दो काम थे ऑफिस के, मतलब मेरी सैलरी बढ़नी थी, कुछ एक दो और चीज़ें थी, छुट्टी नहीं मिल रही थी, गुरुजी ने मेरे सारे काम करवाए हैं, सारे काम, तो इनकी तो बड़ी मानता है, आप भी माना करो इनको। मैंने कहा ठीक है बेटा मान लेंगे। तो ना ऐसी संगत जी वो खुशी खुशी में ना वो बोल पड़ी कि आपके जो काम रह गए हैं ना, जो आप शॉप शॉप कह रहे हो कि आपको रेट नहीं मिल रहे या कोई मतलब कस्टमर नहीं मिल रहा या कोई ऐसी बात है, तो आप इनको बोल दो ये आपके सारे काम कर देंगे गुरुजी। मैंने कहा है बेटा ऐसा है? कहती हाँ मम्मी ऐसा ही है, आप इनको बोल दो। मैंने संगत जी वहीं से फोन में ना मैंने गुरुजी को ऐसी मजे में, मतलब ऐसे मजाक जैसे मजाक वाला नहीं होता काम, मैंने कहा गुरुजी हमारी दुकान बिकवा दो, अच्छे रेट मिल जाए, बस यही कहा। उतने में संगत जी मेरी जो बेटी थी वो फोन ले गई अपना, उसका फोन था लेकिन तो था ही। संगत जी अब मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी, शाम में उसी दिन शाम को मेरे अंकल को वो डीलर का फोन आ गया, कहते हांजी सर आप यहीं से बोल रहे हैं ना, आपका नाम ऐसे से करके बताया उन्होंने, कहते हांजी हम राजेंद्र नगर से बोल रहे हैं, ऐसे करके हमारी शॉप है, कहते हाँ एक है पार्टी लेने वाली, उनको ना देखनी है आपकी शॉप एक बारी। हमने कहा दिखा दो कोई बात नहीं, तो वो कहते सर चाबियां तो आपके पास है, मैं कैसे दिखा दूं, कहते बाहर से, कहते नहीं नहीं अंदर से देखनी है, बाहर से तो क्या ही दिखेगी, अंदर से स्पेस देखना कितना है, चौड़ाई कितनी है, गहराई कितनी है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं संगत जी, जिसने लेना जितने जिसने पैसे लगाने हैं इतने वो देखे भी ना क्या, आप ही बताओ।
तो एक दिन, अगले दिन मतलब, मैं मेरे अंकल फिर से गए वहां पे, संगत जी गुरु जी साक्षात, मतलब गुरु जी साक्षात खड़े हुए वहां पे, जिन्होंने हमारी दुकान लेनी थी ना वो गुरु जी ही थे। संगत जी दिमाग कहते नहीं, जब दिमाग खराब होता है तो बंदा क्या से क्या कर देता है, जब दिमाग हिल जाता है, दिमाग खराब हो जाता है तो बंदा छलांग तक लगा देता है बिल्डिंग में से, है ना। बाद में समझ आती है, अरे यार इतनी बड़ी तो बात भी नहीं थी, हमने ये क्या कर दिया, कुएं में कूद गए हम तो, है ना। संगत जी तब मेरा दिमाग काम नहीं किया कि मेरी जो बेटी के फोन में जो वॉलपेपर लगा हुआ है वो भी मिला, और जिस डीलर की दुकान पे हम लोग गए थे वहां पे भी स्वरूप इनका है। तब दिमाग नहीं काम किया। गुरुजी हमारी दुकान लेने के लिए आए, एडवांस 30 लाख रुपए दे के गए, जितने की दुकान ली थी 30 लाख की, 30 लाख रुपए एडवांस कैश नगद पैसे उन्होंने मेरे अंकल को दिए, और फाइनल डील बोला कितने में हुई, 1.5 करोड़ रुपए के अंदर, 1.5 करोड़ में। संगत जी आप खुद देख लो, आप खुद देख लो संगत जी कि ये गुरु जी की ब्लेसिंग है कि ये क्या है, मेरी समझ से तो बाहर है। जिस दुकान का हमें ग्राहक नहीं मिल रहा था, कोई और ऑप्शन नहीं था, बेटी की शादी सिर पे थी, दुकान जल्दी बेचनी थी, गुरुजी महाराज ने हमारी दुकान अच्छे रेटों में सेल करवाई। संगत जी उसके बाद तो मतलब शादी अच्छे से हुई मेरी बेटी की, कोई कमी नहीं है। लोग आज तक याद करते हैं कि ऋतु तेरी बेटी की शादी तो बड़ी तूने अच्छी करी थी, सारी तूने कोई कसर नहीं छोड़ी, तूने अपनी तरफ से सब कुछ दे दिया, जो चीज़ें शादी के बाद देते हैं माँ बाप, सब कुछ संगत जी हमने दे दिया बेटी को अपनी, ताकि उसको कभी दिक्कत ना आए, उसके पास अपना पैसा हो, ताकि उसको कभी अपने हस्बैंड से पैसे ना मांगने पड़े, उसके पास अपनी भी इतनी क्षमता हो कि मेरे पास है, मैं बैंक से निकाल के खर्चा कर सकती हूँ अपने लिए। तो ये ऐसे हुआ संगत जी। अब बात आती है करवा चौथ की। आप सब जानते हो 2 दिन के बाद करवा चौथ है, बहुत ही बड़ा दिन है, गुरुजी महाराज साक्षात ब्लेस करते हैं सारी आंटियों को। हमारे घर भी गुरुजी आएंगे, आपके घर भी गुरुजी आएंगे करवा चौथ से पहले। संगत जी आपने ये 2 काम कर लेने, सबसे पहले ना अपने घर को साफ रखो जितना हो सकता है, और घर में सत्संग जरूर करना, चाहे करवा चौथ से पहले कर लो या करवा चौथ के बाद करना, वो आपके ऊपर है। संगत जी ये मेरा बड़ा ही छोटा सा गुरुजी का सत्संग, प्लीज आप मेरे सत्संग को ना ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। बाकी आप सबको जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस वीरवार के चमत्कारी सत्संग को ना पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं, तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। संगत जी ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसी तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं
कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ, मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी, मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ, और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी, आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास बिना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे देगा या कोई किसी की हेल्प कर देगा। संगत जी, आजकल सभी लोग परेशान हैं, आप खुद देखो, अगर अपनी जेब में पैसे होंगे तभी तो कोई किसी को देगा, जब अपनी जेब भरी होगी तभी तो आप किसी की हेल्प करोगे। संगत जी, जब अपनी जेब ही खाली होगी तो आप किसी को क्या दोगे? संगत जी, आप ही बताओ मुझे, है ना, किसी को देने के लिए अपने पास पहले होने भी तो चाहिए पैसे, वो आजकल लोगों का हिसाब किताब है नहीं, लोगों के काम धंधे है नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं, तो फिर इंसान जाए तो जाए कहाँ? संगत जी, आप खुद देखो, लोग बेचारे सुबह सुबह घरों से निकल जाते हैं रोजी रोटी कमाने के लिए, और जब रात को वही लोग घर पर वापस आते हैं तो जेब खाली की खाली होती है। संगत जी, पैसा कमाना आसान थोड़ी है आजकल के जमाने में, बड़ा मुश्किल है। संगत जी, खून पसीने की कमाई करना बहुत मुश्किल है आज के टाइम में, बच्चे पालना, घर परिवार चलाना, रोजी रोटी चलाना बहुत मुश्किल है, और आगे तो आप सब समझदार ही हो, परिवार बढ़ेगा खर्चे बढ़ेंगे, महंगाई तो बढ़ी रही है संगत जी, तो आगे आगे तो और दिक्कत आने वाली है, हम सबको आने वाली है दिक्कत। संगत जी, हम सभी गरीबों को दिक्कत आएगी, क्योंकि है देखो, हमारे पास चाहे लाख हो जाए चाहे करोड़ हो जाए, महंगाई इतनी हो जाएगी कि हमसे पूरी नहीं पड़नी। संगत जी, अमीर लोगों का क्या कहना, वो तो अमीर लोग तो संगत जी बड़े कम है, वो बहुत कम है, हम जैसे तो बहुत हैं संगत जी, उनकी तरह तो चार पांच लोग ही हैं बस अमीर लोग, तो बड़ा बुरा हाल है। आप किसी के भी घर में चले जाओ आज की डेट में ना, चाहे कोई अमीर से अमीर बिजनेसमैन है, चाहे रिक्शा चलाने वाला है, रेडी पे सामान बेचने वाला है, चाहे कबाड़ी वाला है, चाहे भिखारी है, किसी के भी घर में चले जाओ, किसी की भी झुग्गी में चले जाओ, वो बंदा आपको यही कहता हुआ मिलेगा, यार मेरा तो काम ही नहीं चल रहा, मेरे पास तो पैसे ही नहीं आ रहे, घर का राशन पानी नहीं चल पा रहा, रोजी रोटी नहीं चल पा रही, बहुत परेशान हूँ, दुखी हूँ, यही कहता हूँ मिलेगा। संगत जी देखो, वो बात अलग है, गरीब जैसे गरीब लोगों को वो थोड़े से पैसे चाहिए, मतलब 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, वही अमीर लोगों को चाहिए लाखों में पैसे, उनको भी चाहिए, उनका भी पैसों के बिना गुजारा नहीं है, पर उनको थोड़ा हैवी अमाउंट चाहिए, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, बिजनेस मतलब चलाना है, ऊपर से अपना घर चलाना है, तो उस हिसाब से संगत जी आजकल सभी लोग परेशान हैं, और पैसों के बिना गुजारा भी नहीं है बंदे का, है गुजारा बताओ आप? अगर आपको आज की डेट में दो रोटी खानी है ना, उसके लिए पहले आपको बाजार से आटा खरीदना पड़ेगा, तब जाके आप घर पे आओगे, रोटी बनाओगे, खाओगे, तब आपकी भूख मिटेगी। संगत जी, बड़ा मुश्किल है आज की डेट में, बहुत मुश्किल है, डॉक्टर के पास चले जाओ, डॉक्टर को बोलो फ्री फंड में इलाज कर दे, कभी भी नहीं करेगा, चाहे मतलब चाहे कोई भी हो, पहले अपनी फीस डॉक्टर लेगा फिर आपको दवाई देगा, फ्री में कुछ नहीं होता। संगत जी, मैं तभी तो आज गुरु जी को इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ आप सबके सामने,
ध्यान से सुनना संगत जी, मैंने कभी गुरु जी को ये बात नहीं बोली है, आज आपके सामने लाइव बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ गुरु जी, आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरु जी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए, घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे गुरु जी, तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरु जी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरु जी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सके। जय गुरु जी संगत जी।